माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंस वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं। इस वीडियो पे हम मेन रूप से मैथ्स एंड केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड करेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे हम हर एक टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में समझने का कोशिश करेंगे। इस पे जनरली हम क्लास 10th, 9th एंड 8th स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं और उसको उसका हर एक टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे ताकि उसको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी किसी का भी प्रॉब्लम हो, वो आसानी से डील कर पाए। अगर आप लोग को माइंड में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अगर हम लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको हम जनरली कहाँ पे डील करने वाले हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग हमसे कभी भी मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे हम आपको कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर पाएं, जो कि मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का नंबर होगा 6206592677। क्या है? 6206592677। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 10th का पार्ट 1 आज का टॉपिक होगा एपी, जिसका मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का हेडिंग सही से समझें, एग्जैक्ट उस टॉपिक को से किस तरह का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछता है और इसका यूज हम जनरली कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एपी। एपी टर्म्स होता क्या है, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस हमको देखने को मिलता है एपी। जब आगे हम लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो इससे रिलेटेड हमको और भी दो टर्म्स मिलने वाले हैं, जिसका जनरली नाम होगा जीपी मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होगा एचपी। क्या होगा? एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट एपी, जो कि हम लोग को पढ़ना होगा 10th में, और आगे जब हम जाएंगे तो पढ़ेंगे जीपी और एचपी। यहाँ पे देख रहे हैं सबका मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल क्या रहा है? प्रोग्रेशन। क्या मिल रहा है? प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेशन बोलते हैं किसको, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है, इसका किस तरह से हम यूज करते हैं, ताकि देख रहे हैं हम एपी में देख रहे हैं, जीपी में देख रहे हैं, एज वेल एज एचपी में भी देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन क्या? प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रेशन होता क्या। प्रोग्रेशन बोलते हैं किसको, प्रोग्रेशन को हम जनरली और भी बोलते हैं अ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसको हम बोलते हैं किसको, प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि होता एग्जैक्ट क्या है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि जीपी किसको बोलते हैं, एचपी किसको बोलते हैं, एपी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन होता है क्या, प्रोग्रेशन और अ सेट ऑफ नंबर्स, क्या होता है, प्रोग्रेशंस और अ सेट ऑफ नंबर्स, अ सेट ऑफ नंबर्स which arranged a particular orders। प्रोग्रेशंस क्या होता है, एक सेट नंबर्स का सेट होता है जो कि एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होता है। इस तरह से नंबर्स का सेट होता है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन से बोलते हैं। तो एक ऑर्डर होता है इस तरह की, अरेंज इस तरह से होता है कि उसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होता है, सच दैट बी कैन फाइंड the next terms of the series। प्रोग्रेशंस उसको बोलते हैं कि नंबर सेट का नंबर्स होता है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि उसका अगला टर्म्स क्या होने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशंस बोलते हैं। मीन्स अगर कहीं भी एपी दिया हो रहेगा तो हम बता सकते हैं, अगर उसका प्रोग्रेशन मीन्स क्या, अगर उसका अरेंजमेंट अगर जो दिया हो रहेगा तो हम बता सकते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, एपी होगा, एचपी होगा या फिर जेपी होगा। उसको देख करके हम उसका अरेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल्स लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं 3, 2, 5, 9, 8, 10, 50, 50 कुछ भी लिख लेते हैं 55, 90 एंड सो ऑन। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, चलिए एक एक एग्जांपल्स को सही से डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहले एग्जांपल्स को देखते हैं 2, 4। तो यहाँ का गैपिंग कितना कम को मिल रहा है, 2 का, कितना का, +2 का। नेक्स्ट गैपिंग क्या मिल रहा है, +2 का। फिर से गैपिंग क्या मिल रहा है, 2 का। तो हम इसको देख करके इजी में बता सकते हैं कि इसका अगला टर्म्स क्या होने वाला है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसका अगला टर्म्स क्या होने वाला है, फिर से मेरा 2 इंक्रीज करने वाला है, इंक्रीज करके होगा क्या, 10 होने वाला है। तो हम इसको देख करके इस सेट नंबर का जो सेट दिया हुआ है इसको देख करके हम बता पा रहे हैं कि इसका अगला टर्म्स क्या है। तो इस नंबर्स का सेट को हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोग्रेशन बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, प्रोग्रेशन। तो इसी का अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस सेम आ रहा है, किसी का क्या होगा, मल्टीपल सेम होगा। तो उसी को हम देख करके हम बताते हैं कि या किसमें दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है या फिर किसमें दिया हुआ है, एचपी में। चलते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल टू हो रहा है। तो इसको हम देख करके बता सकते हैं इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाला है। तो इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है, 32, राइट। क्या होगा, 32। तो हम इसको देख करके बता सकते हैं 32 होने वाला है। उसी तरह देखते हैं इसको, इसका देखते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू में डिफरेंस कितना का हो रहा है, +2 का फिर से +2 का। तो हम इसको भी देख करके बता सकते हैं इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाला है, 1/n क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1/10। अगर फोर्थ एग्जांपल्स को देखते हैं तो इसका अरेंजमेंट को देखते हैं, यहाँ पे -1 हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है,
प्लस फोर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस फोर्टी हो रहा है, यहाँ पे माइनस फाइव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे डियर स्टूडेंट्स प्लस 45। क्या इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाला है? नहीं, इसको देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम इसको प्रोग्रेशन बोलने वाले हैं क्या? नहीं, इसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलने वाले, क्योंकि इसको नेक्स्ट टर्म्स नहीं बता सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि प्रोग्रेशन एग्जैक्ट बोलते हैं किसको, एक नंबर्स का सेट होता है जिसको हम देख करके बता सकते हैं कि उसका नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा प्रोग्रेशन हो रहा था, सेकंड भी प्रोग्रेशन हो रहा था, थर्ड एग्जाम्पल्स भी क्या हो रहा था प्रोग्रेशन हो रहा था, और फोर्थ एग्जाम्पल्स क्या हो रहा था प्रोग्रेशन नहीं हो रहा। तो क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को समझ में या वीडियो आ रहा होगा तो इसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि उसके एग्जाम में कुछ हेल्प मिल पाए। हम यहाँ पे और भी आप लोग से प्रॉमिस करते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली अगर देखते हैं सही से, तो आपका कोई भी टॉपिक्स, कोई भी बुक से अगर आप क्वेश्चन सुनाते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन वैसा ना होगा जिसको आप डील करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप बहुत ही सीरियसली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट, और भी इसको बात करते हैं कि होता क्या है। जनरली हम इसको एपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट एग्जांपल को एपी बोलने वाले हैं। आगे हम बताने वाले कि एपी किसको बोलते हैं, जीपी किसको बोलते हैं और एचपी किसको बोलते हैं, और सेकंड एग्जांपल को हम जनरली जीपी बोलते हैं, और थर्ड एग्जांपल्स को जनरली हम एचपी बोलते हैं। ये तो मेरा सिक्वेंस ही नहीं दिया, इसको हम कुछ भी नहीं बोलने वाले। तो अब चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कुछ हम टर्म्स लिखने वाले हैं जिसको आपको याद करना होगा। ये आपका एपी में काम करने वाला है, एचपी में काम करने वाला है और जीपी में काम करने वाला है। तो सबसे पहले हम जनरली किसी भी सीक्वेंस का उसका फर्स्ट टर्म्स होता है, सेकंड टर्म्स होता है, थर्ड टर्म्स होता है एंड उसका लास्ट टर्म्स भी होता है। लास्ट टर्म्स को हम जनरली एंथ टर्म्स बोलते हैं। तो उसको हम डिनोट करते हैं कि हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो हेयर वी डिनोट, हेयर वी डिनोट, डिनोट। अब यहाँ पे डिनोट करते हैं कि फर्स्ट टर्म्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी मेरा सीक्वेंस दिया हो रहा है, कोई भी मेरा प्रोग्रेशन दिया हो रहा है, तो उसको हम जनरली फर्स्ट टर्म्स को किस से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म्स को डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, या फिर आपको डिनोट करने का मन रहेगा तो ए वन से भी डिनोट कर लेते हैं। क्या करते हैं ए वन से, और आपको कहीं कहीं मिलने वाला है टी एन भी मिलने वाला है, टी वन, क्या टी वन। तो हम कहीं भी अगर जो फर्स्ट टर्म्स हमको देखता है तो उसको हम लिखने का जो तरीका होगा बुक्स में आपको मिलेगा, कहीं भी ए मिलेगा, कहीं भी ए वन मिलेगा और कहीं भी आपको टी एन भी मिलने वाला है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह से डिनोट करते हैं। अगर उसी तरह मेरा सेकेंड टर्म्स मिलता है तो सेकेंड टर्म्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म्स को डिनोट करेंगे क्या ए टू से, या फिर इसी को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे टी टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी टू लिखेंगे। और इसी तरह का जो थर्ड टर्म्स को डिनोट करना रहेगा, थर्ड टर्म्स को डिनोट करना रहेगा तो इसको हम किस से करेंगे ए थ्री से करेंगे, और क्या करेंगे टी थ्री से, क्या राइट टी थ्री से डिनोट करने वाला है। उसी तरह अगर हमको लास्ट टर्म को डिनोट करना रहेगा, क्या लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को जनरली हम बोलते हैं एंथ टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंथ टर्म। जिस तरह से इसको थर्ड टर्म बोल रहे थे तो लास्ट टर्म्स को हम क्या बोलने वाले हैं एंथ टर्म्स बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं nth terms। तो इसको हम denote किस तरह करते हैं, एक तो generally हम an से denote कर लेंगे, या फिर इसको हम generally denote करते हैं किससे tn से denote करते हैं, या फिर हम इसको और भी जब आगे पढ़ेंगे ap पढ़ेंगे तो उसमें हमको और भी कुछ denote करने को मिलेगा। इसको हम last term को generally l से भी denote करते हैं। इसको क्या आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या लिख रहे हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशंस को डिनोट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स मिलने वाला है, उसमें से हम फर्स्ट टर्म्स को जनरली ए से डिनोट करेंगे, या फिर ए वन से डिनोट करेंगे, या फिर हम किससे डिनोट करने वाले हैं टी एन से डिनोट करने वाला, किससे डिनोट करने वाला है टी एन से डिनोट करने वाला। उसी तरह हम सेकेंड टर्म को ए टू से डिनोट करेंगे, और फिर क्या टी टू से डिनोट करने वाला। उसी तरह हम थर्ड टर्म्स को किससे डिनोट करेंगे ए थ्री से, या फिर हम किससे डिनोट करने वाले हैं
33 से डिनोट करने वाला है। उसी तरह क्या लास्ट टर्म या फिर उसको क्या बोलते हैं एंड टर्म्स बोलते थे। एंड टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं या फिर टेन से डिनोट करते हैं या फिर हम जनरली किससे डिनोट कर लेते हैं, एल से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सीखे हैं क्या प्रोग्रेशन से बोलते हैं, किसको क्या क्या होता है, इसका टर्म्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। सो अब आगे हम इसको वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं कि आगे हमको पढ़ना क्या एपी। तो एपी के बारे में हम समझते हैं कि एपी आप बोलते हैं किसको है। अगर एपी आपको सही से समझ में आ गया तो आपको हर एक टॉपिक एपी से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी वे में डील कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको रफ करने वाले हैं। एक बात को आपको ध्यान देना होगा, जब भी कोई भी टीचर अगर कोई वीडियो को अगर रफ करने वाले होते हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप सारा रिलेवेंट जो भी आपको समझ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप अपना नोट्स बुक में नोट्स बनाए। खुद का नोट्स पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, जब एग्जाम आएगा तो उसमें आप अपना नोट्स को बहुत कम समय में आप देख सकते हैं। मीन्स अगर आप वीडियो को अगर जो 30 मिनट्स में देखने वाले हैं तो उस नोट्स को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट्स या 2 मिनट्स में आप देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जब भी कोई टीचर वीडियो को बोर्ड को रफ करने वाले होते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और बोर्ड पे जो भी सारा टर्म्स लिखा होगा वो आप अपने क्या करेंगे कॉपी पे लिख लेंगे, या फिर आप अपने स्क्रीन प्रिंटआउट लेकर के बाद में भी लिख सकते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्या एपी। तो सबसे पहले हम एपी के बात करेंगे कि एपी होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं एपी और एचपी। तो जनरली एपी और एचपी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। एपी और एचपी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जो भी अगर जो जहां भी दिया हो रहेगा एपी और एचपी क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल। तो एपी और एचपी रेसिप्रोकल होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। उसी को अगर हम उलट देंगे तो उसको क्या बोलने वाले हैं, एचपी बोलने वाले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, वर्ड को रफ करते हैं, रफ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं कि एपी बोलते हैं क्या। सबसे पहले इसका एग्जांपल्स कुछ देखते हैं कि एग्जांपल्स इसका होता क्या है, एपी हम बोलते हैं किसको। एग्जांपल्स लिखते हैं, इसे फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो। सेकंड एग्जांपल्स लिखते हैं 2 - 3 डिफरेंस कितना मिल रहा है हम लोग को, -3 और -2 -5 अगर ऐड करने वाले हैं -8 और इसमें -5 ऐड करते हैं -13 एंड सो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम एपी बोलने वाले थे। एपी बोलते हैं किसको, इसमें होगा क्या, दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंट क्या बोलने वाले हैं, ध्यान सुनेंगे, दो टू कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम मिलने वाला है तो उस सीक्वेंस को उस प्रोग्रेशंस को हम क्या बोलने वाले हैं, एपी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है। इसका फर्स्ट टर्म्स एक ही एग्जाम्पल्स को लेते हैं, इसको सही से देखते हैं पहले। अब एपी किसको बोलने वाला है, जिसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस, टू टर्म्स का कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसको हम क्या बोलने वाले, एपी बोलने वाले। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेशन में बताए थे कि उसका फर्स्ट टर्म्स किस तरह से लिखते हैं, सेकंड टर्म्स किस तरह से लिखते हैं, थर्ड टर्म्स किस तरह से। सबसे पहले अगर प्रोग्रेशन एपी का दिया हो रहेगा तो सबसे पहले आप लोग का काम होगा कि उसका हम फर्स्ट टर्म्स लिखेंगे, उसका सेकेंड टर्म्स लिखेंगे और उसका थर्ड टर्म्स लिखेंगे क्या क्या दे रहा है। इस नंबर से अगर हमको पूछ लेता है कि 1, 2, 3, 4 कि ए फिफ्थ टर्म क्या होने वाला है, इसका सिक्स्थ टर्म्स क्या होने वाला है एंड सो ऑन, इसका कुछ भी टर्म्स पूछ लेता है तो यहाँ से हम लोग सीखने वाला है कि इसका फिफ्थ टर्म्स किस तरह से निकलेगा, सिक्स्थ टर्म्स किस तरह से निकलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रोग्रेशन दिया हो रहेगा तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म्स क्या दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट टर्म्स क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म्स 2 दे रहा है। इसका सेकंड टर्म्स लिखते हैं, इसकी सेकंड टर्म्स मेरा क्या दे रहा है, तो सेकंड टर्म्स क्या दे रहा है मेरे डियर स्टूडेंट्स, 4 दे रहा है।
अगर इसका बात करते हैं थर्ड टर्म्स का, तो थर्ड टर्म्स क्या दे रहा है ना डियर स्टूडेंट, 6 दे रहा। अगर फोर्थ टर्म्स का बात करते तो क्या दे रहा है, 8 दे रहा। इतना सारा सबसे पहले हमको जो भी प्रोग्रेशन दिया हो रहेगा तो उसका फर्स्ट टर्म्स लिखेंगे, सेकंड टर्म्स दिया हो रहेगा तो सेकंड टर्म्स लिखेंगे, थर्ड टर्म्स दिया हो रहेगा तो सेकंड थर्ड टर्म्स लिखेंगे। और जो अगर हम कोई भी क्वेश्चन को डील करते हैं तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या क्या पॉइंट दे रहा है, जो जो पॉइंट दे रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या मेरा पॉइंट दे रहा है और मेरा एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला, उसको हम डिनोट करेंगे। मान लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया होता, आपको बोलता कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा और इसका क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा, और हम आगे पढ़ाने वाला है कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो बोल देता कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला। तो अगर पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो जो सबसे पहले जो दिया हो रहेगा उसको हम सही से लिखते हैं, और जो भी हमको पूछता है उसको क्या करते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं, और वहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि किस तरह का हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर एपी का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि एपी का जो भी एपी से रिलेटेड कितना सारा फॉर्मूला आता है, सब फॉर्मूला को एक सेकेंड में आपको माइंड में क्लिक करना होगा। और मान लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन डील करना होगा, जो भी हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि अगर हम मान लेते हैं कि सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स को डिफरेंस कर लेते हैं, क्या सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स को डिफरेंस करते हैं तो कितना आ रहा है, सेकेंड टर्म्स मेरा क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, फर्स्ट टर्म 2 दे रहा है, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अगर क्या अगर फोर्थ टर्म्स और थर्ड टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं तो 8 - 6 इसका भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसी तरह हम सारा को क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, और एक मेरा बच रहा था उसको भी कर लेते हैं, थर्ड टर्म्स और क्या सेकंड टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म्स क्या दे रहा है, 6 और 4, तो 6 - 4 तो मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक मेरा फिक्स नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फिक्स नंबर, का जो मेरा जो टू कंजर्वेटिव नंबर्स को जो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, जो यहाँ पे मेरा एक फिक्स नंबर मिलेगा उसको हम जनरली कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो मेरा फिक्स नंबर मिल रहा है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे साइड में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम सी और डी से डिनोट करेंगे और जनरली हम इसको डी से डिनोट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से बात करते हैं कि एपी किसको बोलते हैं, तो वैसा प्रोग्रेशंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, किसे बोलते हैं, एपी में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी मेरा प्रोग्रेशंस दिया हुआ उसका टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस हो रहा है, ऑलवेज सेम हो रहा, तो हम इसको किसमें बोलेंगे, एपी में बोलेंगे। तो सबसे पहले हम एपी का फॉर्मूला आप बताते हैं, एपी का फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, तो हमको पता है कि आप लोग खुद से आप एपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एपी का फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, इसको भी हम एक सीक्वेंस बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एपी किसको बोलने वाले, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच difference between two conjugative numbers, Always same. तो जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है उसको हम किसमें बोलेंगे, एपी को बोलेंगे। दिस फिक्स्ड
नंबर सेम और फिक्स्ड नंबर लिखते हैं। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सीख गए कि कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं कि वैसा दो कंजुगेटिव नंबर जिसका डिफरेंस हमेशा सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलने वाले? एपी बोलेंगे। तो एपी किसको बोलेंगे? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स विल बी ऑलवेज सेम और फिक्स्ड नंबर। सेम नंबर या फिर क्या आएगा? फिक्स नंबर आएगा। उसी को हम क्या बोलने वाले? एपी बोलने वाले। और वह जो फिक्स नंबर होगा इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम जनरली किससे डिनोट कर लेते हैं? डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो कॉमन डिफरेंस को हम जनरली किससे डिनोट करने वाले हैं? डी से डिनोट करने वाले। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अगर जो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होने वाला है। तो सबसे बात करता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स। तो इसका टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस करते हैं 4 और 2। हम इसको इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, 2, 4 से डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन उसका आपका सीक्वेंस डिसऑर्डर होने वाला है। तो आप देखते हैं 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। 6 और 4 का डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। 8 और 6 का डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 का। जो मेरा एक फिक्स नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे फिक्स नंबर क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। तो जो फिक्स नंबर मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? इस एपी का। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो रहा है कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो इसको हम किसमें बोलेंगे? सिक्वेंस को किसमें बोलने वाले हैं? एपी में बोलने वाले हैं। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, फिक्स नंबर है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर जो पूछता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा डियर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। अगर इसका बोलता है नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, तो अगर हम किसी भी सिक्वेंस का नेक्स्ट टर्म्स अगर हमको फाइंड आउट करना रहेगा, तो उसी का जो भी नंबर्स जो भी प्रोग्रेशंस दिया हो रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 2 हो रहा है, तो एपी में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं, उसका नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। इन एपी मींस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी फाइंड द नेक्स्ट नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ adding a fixed number। अगर जो हम बोलते हैं कि fixed number बोलते हैं किसको, तो fixed number को हम क्या बोलते हैं? Common difference बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Common difference। अगर हमको AP में अगर जो उसका क्या करेगा, अगर पूछता है कि उसका next terms क्या होने वाला, तो next terms को find out करने के लिए उसी में हम क्या करते हैं? Sequence में जो progression दिया हुआ रहता है, तो जो भी मेरा फिक्स नंबर रहता है उसी को हम ऐड कर करके क्या करते हैं? नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर जो इसमें आपको बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म्स क्या होगा, सिक्स्थ टर्म्स क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। डी क्या हो रहा था? 2 हो रहा था। अगर फिफ्थ टर्म बोलता तो इसका फोर्थ टर्म्स में हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करके इसका नेक्स्ट टर्म्स को निकालेंगे। तो अगर फिफ्थ टर्म पूछता है तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना दे रहा है? 2 दे रहा। और इसका फोर्थ टर्म क्या दे रहा है? 8 दे रहा। तो 8 प्लस इसका कॉमन डिफरेंस, तो मेरा नेक्स्ट टर्म्स क्या आने वाला? 10 आने वाला। अगर इसका और भी नेक्स्ट टर्म बोलता है 6, तो इसका जो भी फिफ्थ टर्म दे रहा है उसी में इसका कॉमन डिफरेंस को क्या करने वाला है? ऐड करने वाला है। तो इसका हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो इसका फिफ्थ टर्म 10 आ रहा था, उसमें हम 2 ऐड करने वाला था, क्या मिलने वाला है? 12 मिलने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का हम लोग को क्या एपी में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और भी इसमें और वैरायटी का क्वेश्चंस मिलेगा जिसको हम आगे डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एपी के बारे में समझ लें। तो एपी किसको बोलते हैं? एपी में एक प्रोग्रेशन होता है। एपी एक वैसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें 2 कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस जो होता है ऑलवेज सेम होता है। ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो उससे हम फिक्स नंबर जो होता है, जो हमको फिक्स नंबर मिलता है, उसको हम जनरली बोलते हैं क्या?
तो उस फिक्स नंबर को हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको बोलता है कि सीक्वेंस दिया हो रहेगा, अगर मान लेते हैं कोई भी सीक्वेंस दिया हो रहेगा, बोलेगा कि मेरा कॉमन डिफरेंस उसका फाइंड आउट करना है कि कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसका टू कंजर्वेटिव नंबर्स का डिफरेंस करेंगे। अगर टू कंजर्वेटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको हम एपी में बोल लेंगे। अगर कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम नहीं आने वाला तो उसको हम एपी में नहीं बोलने वाले। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं दिस प्रोग्रेशन इज, इट इज, क्या बोलेंगे, इट इज एंड एपी। जो मेरा प्रोग्रेशन दे रहा है उसको हम किसमें बोलने वाले हैं? एपी में बोलने वाले। क्यों बोलने वाले हैं? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल्स लिखते हैं, लिख रहे हैं एग्जांपल, अगर हम इस तरह से एग्जांपल्स लिखते हैं उसके बाद पूछते हैं कि एपी में है या नहीं, तो एपी में हमको फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ही हम उस प्रोग्रेशन को क्या बोलने वाले, एपी बोलने वाले। अदरवाइज हम उस प्रोग्रेशन को एपी नहीं बोलेंगे। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं टू लिखते हैं, फोर लिखते हैं, एट लिखते हैं, सिक्सटीन लिखते हैं। तो इसका आपको पता करना होगा कि इसका नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, और इसको पता करना होगा कि या एपी में दिया हुआ है या फिर नहीं। तो एपी में होने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि टू कंजुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा उसको हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। अगर सेम आता है तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो इसका सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म्स लिखेंगे, टू लिखेंगे, सेकेंड टर्म्स लिखेंगे, फोर लिखेंगे, थर्ड टर्म्स लिखेंगे, एट लिखेंगे, एंड इसका फोर्थ टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 वन मीन्स क्या, 4 माइनस 2 तो कितना आ रहा है, 2 का हो रहा है, a3 माइनस a4 सॉरी a2 टू तो a3 क्या दे रहा है, 8 माइनस 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 4 हो रहा है, a4 माइनस a3 तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना का हो रहा है, 8 का हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जब फिक्स नंबर नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा प्रोग्रेशन दिया हुआ है, श्रेय दिया हुआ, या मेरा एपी में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। क्या, इट इज नॉट एन एपी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट एन एपी। तो इस प्रोग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एपी में नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रह जाता तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको पार्टिकुलर उस प्रॉब्लम्स को डिटेल में और भी समझा सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम कुछ एग्जांपल्स चलते हैं और एपी के बारे में और भी डिटेल्स से समझते हैं कि एपी बोलते हैं क्या और इसमें हमको पढ़ना एग्जैक्ट क्या क्या है। तो हम इसको रफ करने वाले हैं, तो हम बता चुके हैं कि रफ जब भी हम करने वाले हैं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके क्या करेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट्स करेंगे और अपना फेयर कॉपी को सही से अरेंज करेंगे, ताकि हम उसको दोबारा क्या करेंगे, इजी वे में उसको समझ सकें। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, इस वीडियो को हम रफ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रफ करते हैं और नेक्स्ट हम बताते हैं कि एपी बोलते किसको है और एपी होता क्या है। और माय डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, अगर कोई भी अगर जो प्रॉब्लम आ रहा होगा तो हम लोग को कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है। अगर उस प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे और भी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और सही से सही करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन पे हम गांव में आए हुए, गांव में कुछ भी मेरा क्या इंस्ट्रूमेंट ना रहने के कारण हम सिंपल एक फोन से इस वीडियो को शूट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो रहा है और यहाँ पे जनरली मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, जिससे क्या मेरा जो भी मेरा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम है हमें, कोई भी अगर जो कमी है तो आप अपने हमको बता सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। तो आगे हम चलते हैं एपी। अब एपी बोलते हैं किसको, क्या एपी, अब एपी बोलते हैं किसको, एपी किसको बोलते हैं, अब एपी हमको पढ़ना क्या क्या, एपी तो हम समझ लें किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम एपी बोलते हैं, इसमें मेरा फर्स्ट टर्म्स दे रहता है, सेकंड टर्म्स दे रहता है और भी बहुत सारे टर्म्स दे रहता है। तो इसमें हम जनरली टू टाइप्स का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, कितना टाइप्स का, दो तरह का। तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले क्या, nth टर्म, क्या इसको क्या बोलेंगे, अभी बताएंगे, nth टर्म बोलते हैं इसी को। जनरली हम किससे लिखने वाले हैं, L से लिखने वाले, किससे लिखने वाले, या तो N बोलते हैं, N ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, nth टर्म पे, nth टर्म का सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। nth टर्म होता है क्या, a प्लस
एन माइनस वन इन टू डी एंथ टर्म मीन्स एन का वैल्यू वन रखेंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म्स आएगा, एन का वैल्यू टू रखेंगे तो मेरा सेकेंड टर्म्स मिलेगा, एन का वैल्यू थ्री रखेंगे तो मेरा थर्ड टर्म मिलेगा, एंड एन का वैल्यू और एन रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, एंथ टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? एंथ टर्म। तो एंथ टर्म को हम जनरली क्या किससे बताएं, टीएम से भी लिख सकते हैं और इसको किससे लिख सकते हैं, एल से भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू क्या होने वाला है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। और इसमें दो ही फॉर्मूला हमको पढ़ना ही है और इससे लगभग आपका एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स का आने वाला है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। टू ही मात्र दो क्वेश्चन में मेरा इतना सारा क्वेश्चन डील होगा दो फॉर्मूला में। सेकेंड फॉर्मूला पढ़ेंगे एसएन। अब आगे बताएंगे एसएन आपके लिए थोड़ा सा नया होने वाला है, तो एसएन के बारे में हम आपको बताएंगे कि एसएन बोलते हैं किसको है। एसएन तो एसएन मेरा होता है क्या, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। और भी हम एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं इस तरह से, एसएन इक्वल टू एन बाई टू, इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी लिख सकते हैं ना। देखिए ए टू ए को क्या ए प्लस ए में ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी इसको हम पढ़ें क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो हम एस एन को लिख सकते हैं एन वाई टू ए प्लस एल, और एल को जनरली हम क्या करेंगे, एन कर लेंगे या फिर टेन करेंगे, कुछ भी लिखना रहेगा उसको हम लिख सकते हैं। मीन्स एस एन का दो एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मीन्स इस चैप्टर में हम दो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट फॉर्मूला एन एन इक्वल टू क्या ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और सेकंड फॉर्मूला पढ़ने वाले एस एन एस एन इक्वल टू क्या एन वाई टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सो माय डियर स्टूडेंट्स हेयर होगा क्या, वेयर एन इक्वल टू लास्ट टर्म, क्या एन इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म्स इसी को बोलते हैं nth टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, nth टर्म्स बोलते हैं। और एक नया टर्म्स n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना सा ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितना सारा इसमें नंबर्स है, मीन्स एक नंबर है या फिर टू नंबर है या फिर थ्री नंबर है या फोर नंबर है। मीन्स अगर जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो लिखते हैं टू लिखते हैं, फोर लिखते हैं, सिक्स लिखते हैं, एट लिखते हैं, एंड सो ऑन लिखते हैं, इसमें कितना मेरा टर्म्स दे रहा है। और मान लेते हैं लास्ट में क्या लिखते हैं, टेन ही लिखते हैं, तो इसमें मेरा कितना टर्म्स दे रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे मेरा टोटल फाइव टर्म्स दे रहा है। तो फाइव टर्म्स दे रहा है मीन्स एन का वैल्यू मेरा क्या होगा, फाइव होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म को हम एन करते हैं तो इसका लास्ट टर्म क्या हो रहा है, टेन हो रहा है, तो टेन लिखेंगे तो लास्ट टर्म मेरा क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर फिफ्थ टर्म हो रहा है, तो ए फिफ्थ लिख लेंगे, तो ए फिफ्थ इक्वल टू क्या, टेन लिखेंगे। ए फिफ्थ को भी हम क्या लिख सकते हैं, टी फिफ्थ लिख सकते हैं, टी फिफ्थ लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, या फिर टेन को हम क्या लिख सकते हैं, एलेवन तो लिख सकते हैं, लास्ट टर्म दे रहा है, लास्ट टर्म क्या लिख लेंगे, टेन लिखेंगे। मीन्स एन क्या दे रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा है, मीन्स उस प्रोग्रेशन में मेरा एपी में कितना सारा मेरा टर्म्स दे रहा है। अब आगे का बात करते हैं क्या, एन हो गया मेरा और एक टर्म्स मेरा आ रहा है क्या, डी। तो डी आप लोग को पता होगा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब आगे बात करते हैं किसका, एसएन का। तो एसएन का होता है क्या, एसएन जो होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स होता है, क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स, सम ऑफ क्या, एन टर्म्स मीन्स पूरा नंबर्स का सम यहाँ पे जिसे दे रहा है। तो अगर जो हम लिखते हैं तो टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन, अब कितना दे रहा है, फाइव टर्म ही दे रहा है, तो इसको हम एस फाइव लिखेंगे, एस एन लिखेंगे, एस एन को क्या लिखेंगे, एस फाइव, एस एन लिखेंगे, एस एन को क्या लिखेंगे, इसको हम एस एन लिखने वाले, एस एन को क्या लिखेंगे, एस फाइव। तो यही मेरा क्या दे रहा है, टोटल नंबर्स का सम जो भी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। तो सो अब हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करने वाले हैं कि इसका एग्जैक्ट होता क्या है, इसको हम किस तरह से करने वाले हैं। तो चलते हैं हम इस फॉर्मूला को सबसे पहले आज ड्राइव करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फार्मूला को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट फार्मूला आया कहाँ से, किस तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इसका थ्योरम फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्योरम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इफ
इफ एंड एपी हुज फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी डी देन फाइंड इट्स लास्ट टर्म या एंथ टर्म या एंथ टर्म देन फाइंड इट्स एंथ टर्म मीन्स हमको फाइंड आउट क्या करना है मीन्स हमको गिवेन है क्या गिवेन है फर्स्ट टर्म गिवेन है फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है ए ही दे रहा है इसको हम जनरली ए वन लिखते हैं मेरा कॉमन डिफरेंस गिवेन है कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है डी दे रहा है और इसका क्या दे रहा है हमको फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म एंथ टर्म को फाइंड आउट करना था एंथ टर्म अभी हम लोग पढ़े क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू तो इसको हमको फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट कितना क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हम लोग फाइंड आउट करने वाले तो चलते हैं अभी हम लोग सीखे हैं कि जब भी हम सिक्वेंस को हम फाइंड आउट करते हैं तो जो भी मेरा नंबर्स होता है उसी हम क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नंबर मेरा टू मिल रहा है अगर हम सेकंड नंबर का बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा टू इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा मेरे स्टूडेंट टू आने वाला तो सेकंड नंबर में अगर जिसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा सेकंड नंबर आएगा अगर फोर्थ नंबर थर्ड नंबर फाइंड आउट करना रहेगा तो फोर्थ थर्ड नंबर फाइंड आउट करेगा तो सेकंड नंबर जो भी दे रहा है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे मीन्स क्या टू प्लस टू प्लस और टू तो आएगा क्या सिक्स इसी तरह यहाँ पे कुछ करते तो फर्स्ट नंबर तो मेरा ए दे रहा है क्या दे रहा है ए दे रहा तो इसका सेकंड नंबर फाइंड आउट मीन से हो सकता है सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने के हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस कॉमन डिफरेंस इसी तरह से अगर हम लिखते हैं क्या थर्ड नंबर लिखते हैं तो थर्ड नंबर क्या ए थ्री प्लस क्या कॉमन डिफरेंस तो ए थ्री मेरा क्या दे रहा है यहाँ पर गौर से देखते हैं क्या ए थ्री दे रहा है ए प्लस डी प्लस डी तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस क्या टू डी लिख सकते हैं उसी तरह अगर जो हम फोर्थ नंबर को लिखना चाहेंगे तो थर्ड नंबर प्लस इसका क्या करने वाला है कॉमन डिफरेंस करने वाला तो थर्ड नंबर इसका लिखते हैं तो ए प्लस टू डी प्लस डी करते हैं तो आएगा क्या ए प्लस क्या थर्ड फोर्थ नंबर लिख रहे हैं तो ए प्लस क्या होगा थ्री डी होगा क्या होगा थ्री डी इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ एक कॉमन वर्ड मिल रहा होगा क्या कि फर्स्ट नंबर लिखते हैं तो ए लिख रहे हैं सेकेंड नंबर लिख रहे हैं तो ए प्लस डी लिख रहे हैं थर्ड नंबर लिख रहे हैं तो ए प्लस टू डी लिख रहे हैं उससे एक नंबर कम अगर फोर्थ नंबर लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं ए प्लस थ्री डी यहाँ पे फोर्थ नंबर लिख रहे हैं तो थ्री डी हो रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर लिख रहे हैं तो टू डी हो रहा है एक उससे कम हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं तो जीरो यहाँ पे जीरो डी लिख सकते हैं सेकंड नंबर लिख रहे हैं तो उससे एक कम सिर्फ डी हो रहा है उसी तरह क्या एंथ नंबर इसका लिख सकते हैं क्या इसका एंथ नंबर जो लिखना रहेगा ए प्लस इससे एक कम तो एन नंबर दे रहा है एन से एक कम क्या होगा एन माइनस वन इंटू क्या डी तो हम इसका लास्ट नंबर लिख सकते हैं क्या एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन को हम जनरली डिनोट क्या कर लेते हैं टी एन भी डिनोट कर लेते हैं और क्या डिनोट करते हैं एल डिनोट करते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्या करने वाले हैं समाप्त करने वाले हैं और हम इसका पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो मीन्स अगले दिन आप लोग को शेयर करने वाले हैं तो सो माय डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड न्यू वीडियो आप लोग तक पहुंच सके थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड एंजॉय टू योर होम स्टे होम एंड सेफ लाइफ थैंक यू।